समाज में या लोगों के बीच में कई बार ऐसे मामले आ जाते हैं जब आदमी को ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस समस्या का निदान क्या होगा और इस समस्या इस मामले से हम निपटे कैसे। लेकिन अगर यही समस्या किसी अधिकारी के सामने आ जाए, किसी पुलिस अधिकारी के सामने आ जाए या किसी कोर्ट केस में किसी जज के सामने आ जाए, तब वह इन समस्याओं से निजात कैसे पा सकता है। की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब छोटे मोटे कोर्ट के जज नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के जज के सामने एक ऐसा मुकदमा आया जिसको सुनने के बाद वो हतप्रभ रह गए और वो सोच में काफी देर पड़ गए कि क्या आखिर ऐसा संभव है, आखिर क्या है पूरी कहानी। जानेंगे आगे के वीडियो में, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की बटन दबा लेना ताकि जब भी मैं कहानी अपलोड करूं तो कहानी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। 10 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जज का चैम्बर खचाखच भरा हुआ था और जज के चैम्बर में मुकदमों की सुनवाई चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक अनोखा मामला देखने को मिला। उस मामले के तह तक जब जज गए तो उनको बहुत सारी गलतियां मिली, जिनकी जिनकी गलतियां साहब ने ना ही तलब किया बल्कि उनको विधिक नोटिस भी भेजा कि आखिर ये गलतियां कैसे हुई। दरअसल हुआ क्या था कि जब ये कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी उसी दौरान जज के सामने 11 साल का एक बच्चा प्रस्तुत किया जाता है जिस बच्चे को पुलिस ने और उसके खुद के बाप ने मृत घोषित कर दिया था और उसको ये दिखाया था कि उसकी हत्या काफी दिन पहले हो चुकी है। अगर कहानी की इनसाइड स्टोरी की बात करें तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत जिले में ही एक थाना पड़ता है न्यूरिया। न्यूरिया थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है। इसी गांव में वीरेंद्र कुमार नाम का एक परिवार रहा करता था। परिवार मध्यम वर्गीय था, घर में सब कुशल मंगल चल रहा था। वीरेंद्र कुमार की बहन की शादी गांव से ही करीब 10 किलोमीटर दूर भानु प्रकाश के साथ सन 2010 में कर दी जाती है। दोनों पति पत्नी अब भानु प्रकाश और उनकी पत्नी दोनों साथ में रह रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी को 3 साल बीत चुके थे। इन 3 सालों में इन दोनों पति पत्नी के बीच में एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा भी जन्म ले चुका था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक भानु प्रकाश की पत्नी से कुछ मतभेद रहने लगता है और ये मतभेद धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। एक दिन भानु प्रकाश अपने काम से वापस आता है और उसकी पत्नी घर में कलेश मचाना शुरू करती है और भानु प्रकाश को गुस्सा आ जाता है और वो पत्नी को काफी मारता पीटता है। पत्नी के मायके वालों को पता चलती है तो मायके वाले तुरंत आते हैं और उसकी पत्नी को ले जाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। यहाँ 3 दिन बाद भानु प्रकाश की पत्नी की अस्पताल में ही मौत हो जाती है और दम तोड़ देती है। उसका बच्चा अभी मात्र 3 माह। मायके पक्ष वालों ने उस बच्चे को अपने कस्टडी में ले लिया। का बच्चा अपनी मम्मी के मायके यानी कि अपने नाना और मामा के यहाँ रहने लगा। मायके वालों ने उस पर FIR दर्ज कराई और उसे जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद ही वह जेल से वापस आता है और कोर्ट में एक अर्जी डालता है अपने बेटे को कस्टडी में वापस लेने के लिए। कोर्ट की सुनवाई चलती है और वो मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीत जाता है। फिर भी उसके ससुराल वाले यानी बच्चे के नाना नानी और मामा मामी उसके बच्चे को वापस देने के लिए तैयार नहीं थे। मन में एक विचार आता है कि क्यों न मैं एक षड्यंत्र रच के दिखाऊं कि बच्चे की हत्या हो गई है, और वो थाने जाता है और थाने जाकर अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप अपने ससुराली जनों पर लगाता, नाना और मामा पर लगाता है। और मजे की बात ये, पुलिस बिना जांच किए FIR दर्ज भी कर लेती है। ससुराल पक्ष के 4 आरोपियों को अंदर भी कर देती है। मुकदमा चलता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहां से किसी को कोई राहत नहीं मिलती है जबकि बच्चा वाकई में जिंदा था। घर वाले पुलिस कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें लगता है कि हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है तो वो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में करते हैं। जज साहब उस लड़के को तलब करते हैं जो अभी 11 साल चुका था और इन जब जज साहब ने उस बच्चे को बुलाया था और अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र देता है जज साहब को सामने ही, जिसे देखकर जज साहब को सदमा सा लगा और जज साहब ने तुरंत ही पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक, वहां के तत्कालीन थाना अध्यक्ष और बहुत सारे ऐसे लोग
जो इस मामले में कार्यवाही कर रहे थे उनको नोटिस भी जारी, कारण पूछा कि इसके पीछे क्या कारण था, आखिर आपने बिना दबाव किए ये सारे घटनाक्रम को, एक जिंदा बच्चे को आपने मृत कैसे घोषित कर। साहब ने आदेश दिया कि जो भी आरोपित हैं इस मुकदमे में भी किसी भी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्यवाही ना की जाए जब तक कि अगली तारीख नहीं पड़ती है, जनवरी 2024 में इस कोर्ट की सुनवाई होनी है। अब आप समझ सकते हैं तरीके से आखिर पुलिस काम करती है और किस तरीके से हमारी न्याय प्रणाली आज दूषित हो चुकी है, आप इस कहानी के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल पूरी कहानी पे आपका क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।